Can I come in? Thank you, sir. Yes, sir. PRT. Yes, sir. Yes, Puri. 136. 136. ओके तो तंदीप जी आपने जो है इंटरमीडिएट 2014 में किया यस सर और ग्रेजुएशन करने में आपको जो है 4 साल लग गए यस सर क्या आपने बीए ऑनर्स किया था नो सर बीटेक बीटेक किया है कौन सा ग्रेड से आपने किया है सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका कार्य क्या होता है कुछ बताएंगे सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज एवर मेन ब्रांच इट इज वर्क इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इन ऑल एमएनसीज कंपनीज लाइक टू व्हीलर फोर व्हीलर मारुति कार सुजुकी टाटा मोटर्स एक्सेट्रा ओके तो आप जो है जब आपने बीटेक कर ही लिया था yes, तो आप जो है शिक्षा क्षेत्र क्यों चुन लिए हैं सर क्योंकि हमारा बचपन से ही सपना था कि हम टीचर बनेंगे जी लेकिन हमने अपने टेक्नोलॉजी को इन्हेंस किया जी. और हम जानते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है जी और हम एक बचपन से ही शिक्षक हैं जी तो हम चाहते हैं कि अपने जो टेक्नोलॉजी का यूज है टीचिंग फील्ड में ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से यूज कर सकें जी जिससे अपने बच्चों को भी अच्छे ढंग से पढ़ा सकते हैं और इसका यूज ज्यादा से ज्यादा अपना कर सकते हैं अच्छा 1 से 5 तक कौन सी तकनीक का प्रयोग करेंगे बच्चों में आप जैसे TLM का यूज कर सकते हैं हम जी आज ये DLM क्या है कुछ बताएंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं सर जी जिसमें हम मॉडर्न तरीके से पढ़ा सकते हैं बच्चों को विजुअली भी इंटरेक्ट कराते हैं सामने से उनको बताते भी हैं कि हम कोई भी चीज कैसे पढ़ा रहे हैं कैसे क्या दिखा रहे हैं जैसे सर मान लीजिए जैसे हमें कक्षा 1 में 1, 2, 3, 4 सिखाना है या क ख सिखाना है तो हम TLM का प्रयोग करते हैं जैसे कुछ चिट्स बना लेते हैं जिसमें क ख ख पूरा लिखते हैं और एक एक बच्चे को बांट देते हैं उसमें से पहचानवाते हैं कि कौन सा बच्चा ये क लिखा है कि ख लिखा है क्या लिखा है इस प्रकार से हम कई TLM का यूज कर सकते हैं अच्छा 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 चलिए तो आपने जो है फिर उसके बाद DLED कर लिया है शिक्षक बनने के लिए चलिए ठीक है ओके थैंक यू संदीप जी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ Firstly, I would like to thank you, sir, for giving me this opportunity. And it's my pleasure to introduce myself in front of you. My name is Sandeep Kumar Mishra. I belong to Prayagraj. I have completed my schooling from St. Devi Intermediate College and scored 88% in high school and 90% in intermediate. After that, I have completed my graduation from SIIT Allahabad and scored 81% and diploma in elementary education from That Prayagraj and scored 92%. I believe that in today's scenario, practical approach is good and believe that my using technology, I do my best in my teaching performance. My hobbies is singing and exploring myself by using my thoughts. So why do you want to be a teacher? Definitely. Sir, जैसे कि पढ़ाने में सबसे बढ़िया होना चाहिए कि क्योंकि हम अपने सब्जेक्ट में एक अच्छा नॉलेज रखते हैं और हम एक टॉकेटिव पर्सन भी हैं जिसमें हम सभी बच्चों को अच्छे ढंग से समझा सकते हैं और बता सकते हैं और यह मेरा पैशन है और बचपन से ही हम सोचे हैं कि आगे चल के शिक्षक ही बनेंगे टेल मी वन बिग पॉइंट अबाउट योरसेल्फ सर आई एम लिटिल बिट टॉकेटिव ओके एंड स्ट्रांग पॉइंट सर आई हैव अ क्विक लर्नर एज यू सी माई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस And I will punctual enough. Okay, so Sandeep, आप PRT के लिए अप्लाई कर रहे हैं Yes, ma'am. तो आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा जो आप PRT लेवल पे चूज करेंगे अगर आप टीचर बन जाते हैं फाइनली सर क्वेश्चन मैम PRT में तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है लेकिन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है मैथमेटिक्स Yes, ma'am. मतलब अगर आपको बात करें टीचिंग की तो आप मैथमेटिक्स में सबसे Yes, बेस्ट हैं मतलब कोई ऐसा कि पर्टिकुलर क्लास या ओवरऑल 1 to 5 में आप ओवरऑल तो आपको NCERT की बुक्स जैसे कि आप जानते हैं हमारे यहाँ अप्लाई होगी तो 5th class का कोई चैप्टर का नाम बताइए मैम डिवीजन भी है 5th class में परसेंटेज का भी यूज है अच्छा अगर हम अभी आपको कह दें टीचिंग करने के लिए तो 5th class लेवल का आप परसेंटेज का सेक्शन पढ़ा सकते हैं आपने टीचिंग की है माइक्रो टीचिंग यस मैम DLED में की होगी यस मैम तो माइक्रो टीचिंग के 5 steps कौन कौन से होते हैं मैम योजना फिर योजना निर्माण फिर प्रोजेक्ट योजना निर्माण और फिर सॉरी मैम कोई बात नहीं अच्छा माइक्रो टीचिंग में आपको अप्रोक्सीमेट कितना टाइम समय दिया जाता है मैम 36 मिनट 36 मिनट जिसमें से 6 मिनट होते हैं टोटल ओके ठीक है तो आप एक एक कोई टॉपिक लेकर थोड़ा हमें डिस्कस करिए थैंक यू मैम क्या हम यहाँ पे इसको क्लासरूम मान सकते हैं यस यस ऑफ कोर्स थैंक यू मैम गुड मॉर्निंग बच्चों
आज हम आप लोगों को एक मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाने चल रहे हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, जिसमें से हम आप लोगों को आज बताएंगे कि मैथमेटिक्स में हमारा टॉपिक होगा जो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कौन सा पढ़ाना है मुझे। तो आज बताइए, आज डेट क्या है? सब्जेक्ट मेरा रहेगा मैथमेटिक्स। हाँ तो सोनू बताओ, आज टोटल बच्चे कितने एब्सेंट हैं? आज 5 है? ठीक है, तो आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाते हैं कि आप लोग ने बंदर और हीरे की कहानी तो सुना होगा। तो बंदर और हिरण में हम आपको कहानी सुनाते हैं। एक बंदर था जिसका नाम था हम्प्टी। क्या नाम था? हम्प्टी। और जो एक हिरण था उसका क्या नाम था? क्या नाम था सोनू, क्या रखा जाए? डम्प्टी। क्या नाम था? डम्प्टी। ये एक दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो जाते हैं घूमने बाजार में, तो उन्हें एक पड़ी हुई स्केल मिलती है। क्या मिलती है? स्केल। और आप लोग तो जानते ही होंगे कि स्केल में ये क्या लगी रहती है? रेटिंग। स्केल में क्या लगी हुई होती है? रेटिंग, जिसमें से रहता है 1, 2, 3, 4। आप जानते हैं ना स्केल में कैसे रहता है? यहाँ 1, यहाँ 2, 3, 4, आगे क्या रहता है? 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही। और आगे मान लेते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16। मान लेते हैं 16 कॉलम्स रहते हैं। तो जो हम्प्टी रहता है वो क्या करता है कि कहता है कि आज चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कितनी ज्यादा जंप कर सकता है। हम्प्टी बोलता है कौन कितना ज्यादा जंप कर सकता है। तो हम्प्टी एक बार में यहां से 2 कॉलम चलता है। कितना चलता है? 2। तो 1 से कितना गया? 3। 3 से कितना जाएगा? 5। 5 से कितना जाएगा? 7। 7 से कितना गया? 9। 9 से कितना गया? 11। और जो डम्प्टी रहता है, डम्प्टी कितना चलता है? एक बार में जाता है 5। कितना जाता है? 5। तो यहां से गया 5। 5 के बाद कहां जाएगा? 10। 10 के बाद कहां जाएगा? 15 में। तो यहां से हम देख रहे हैं कि 1 गया, ये गया 3, 3 कितने गया? 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद कितना गया? 11। लेकिन जो डम्प्टी है, डम्प्टी वाकई में क्या जानते हो? डम्प्टी मैंने किसका नाम बताया था? हिरण का। तो वो कितना, वो ज्यादा तेज चलता है। तो कितना गया? एक बार में 5 जा रहा, फिर कितना जा रहा? 10 जा रहा, फिर कितना गया? 15 गया। लेकिन वो कितना गया है? एक बार में 3 गया, 3 के बाद कितना गया? 5। तो फिर अगर हम देखें तो इसमें क्या कुछ कॉमन मिल रहा है हमें? नहीं मिल रहा। पहली बार में ये लोग को कोई कॉमन नहीं मिला। तो फिर हम्प्टी कहता है कि ठीक है, मैं दूसरी बार प्रयास करता हूं, अब मैं कितना आगे चल सकता हूं। तो वो दूसरी बार में चलता है तो एक एक कदम आगे बढ़ा। कितना गया? 1। तो एक गया फर्स्ट, फिर कितना गया? 3। 3 के बाद कितना गया? 4। 4 के बाद 5। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम देखें कि ये कितना जा रहा है? 5। ये कितना गया? 1, 2, 3, 4, 5। तो दोनों में सबसे पहला कॉमन फैक्टर क्या मिला? कॉमन। दोनों में जो दोनों में पहली बार मिला, उन दोनों की कहां पर हो रही है? 5 पर हो रही है। कहां पर हो रही है? 5 पर। फिर अगर हम चेक करें कि दूसरी बार वो दोनों कहां पर मिलते हैं, तो दूसरी बार मिलेंगे 10 पर। क्यों सोनू, दूसरी बार कहां पर मिलेंगे? 10 पर। बहुत अच्छे, गुड। फिर तीसरी बार बताओ मोनू, तुम बताओ तीसरी बार कितने मिलेंगे? 15 पे सर। वाह बहुत अच्छे, गुड, क्लैप फॉर हिम। 30। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा सबसे लीस्ट कॉमन फैक्टर है वही हमारा क्या होता है? एलसीएम। तो बच्चों आज हम आप लोग को क्या बताएंगे? एलसीएम, जिसे क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मींस अगर हम यहां देखें तो ये 1 का क्या आया था? डम्प्टी जो चल रहा था पहली बार में, कहां पर मिला? 5 पर। और ये जो हमारा डम्प्टी था 5 पर, और हम्प्टी ने कितने कदम चले उसके लिए? 5। तो ये भी दोनों पर यहां पे आए 5। तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 5।
इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखो बच्चों, अब हम दूसरा तुम लोग को बताते हैं कैसे क्या करते हैं। दूसरा मान लो तीन दोस्त हैं, कौन कौन से, सोनू मोनू गौरव, तीन हैं सोनू मोनू गौरव। तो सोनू ने पत्थर उछालता है, वो एक बार में तीन कदम, तीन मतलब मीटर दूरी पत्थर फेंकता है, और जो सोनू है दूसरी बार में फेंकता है, और जो मोनू है तीसरी बार में अगर वो फेंकता है पहली बार में तो नौ कदम फेंकता है। तो चेक करते हैं कि पहली में जो मोनू था वो कितना फेंका, थ्री, जो सोनू था वो कितना फेंका, सिक्स, और जो सौरभ था वो कितना फेंका, नाइन। अगर ये थ्री सिक्स नाइन में फेंकते हैं तो इनमें अगर हम चेक करें तो सबसे पहली बार अगर तीनों को फेंकना हुआ तो ये तीनों एक साथ कहां पर मिलेंगे, कोई बताएगा सोनू कितना कहां पर मिलेंगे ये तीनों, चेक करते हैं, बना लेते हैं स्केल। चलिए ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम, आइए बैठिए। अच्छा रहा आपका, काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड किया। मतलब अगर हम बात करें केवीएस की, जैसा सब लोग कह रहे हैं कि आपको भी पता है कि सेंट्रल हमारा एग्जाम होता है, सेंट्रल लेवल के हम टीचर बनेंगे, तो ज्यादातर होता है कि इंग्लिश वर्ड यूज करना है। तो आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं? Yes. अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश में आपका फुल ऑन इंट्रोडक्शन देना हो तो आप दे सकते हैं अभी? Yes, ma'am, comfortable. ठीक है, थैंक यू, ओके। अब संदीप जी देखिए, सब लोगों ने देखा आपका, बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ गाइडलाइन है आपके लिए। जैसे जब आप एंट्री किए आप एकदम झुके हुए आ गया है, पहली चीज झुको नहीं यार, एकदम सीधा स्ट्रेट आराम से पहले गेट खोल लो, देन परमिशन मांगो, चेयर के पास आओ, एकदम सीधा खड़े हो जाओ, पहली चीज। जब आपके सामने के बैठे हुए बंदे में कोई कहे कि बैठ जाइए तभी बैठना, पहली बात। दूसरी चीज़ है, बैठे समय जब आप बोल रहे थे सब कुछ अच्छा है, लेकिन बैठे हुए जब आप बोल रहे थे तो उसमें आपकी हैंड मूवमेंट को ध्यान रखना, जब तक आप बैठे हैं हैंड मूवमेंट नहीं है ना। जब आप पढ़ाने के लिए खड़े होंगे देन आप वो बकायदा जैसे कर रहे हो बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ाने में एजिटेशन है, वो होता है। yes, sir, वो है, वो सब लोग समझ रहे हैं उस चीज को, थोड़ा बहुत ये चीजों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मेरा बॉडी स्किल का काम है, उसमें थोड़ी बहुत चीजें माइनस में, बाकी और सब ठीक है, पढ़ाना भी ठीक लग रहा है, ठीक है, और सब कुछ अच्छा है। लीजिए सर, आप अपने हिसाब से। सर ने जो कहा थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, थोड़ा आई कॉन्टेक्ट आपका वीक है, मतलब जब जो भी यहाँ पर मैम या सर पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि उन्हीं को तरफ देखना, बाकी आप लोग किसी की तरफ आपको देखना नहीं है। और जब आप पढ़ा रहे थे तो उस दौरान भी आपका आई कांटेक्ट वीक था, समझ में आ रहा है आपको, लग रहा होगा कि आप जो है नज़र नहीं मिला पा रहे हैं। बाकी आप जब एंट्री कर रहे हैं तो जो कमियाँ थी, यहाँ पर बैठ रहे हैं, मुस्कुराने की जो प्रवृत्ति है आप में, ये अच्छी है, गुड क्वालिटी है ये आपकी, इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जो थोड़ा सा टीचिंग में है वो मैम बता रही हैं आपको, ठीक है। तो ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहा है, जैसे हमेशा एक बात का ये ध्यान रखिएगा, जब आप टीचिंग करते हैं तो एक फिक्स क्राइटेरिया ले लीजिए कि आपको टीचिंग स्टाइल आपकी क्या होनी चाहिए। जैसे मतलब आप बोर्ड से बहुत साइड नहीं होइए, आपका कॉन्टेक्ट बना रहना चाहिए, आप लगे कि आप बोर्ड के सामने हमेशा रहें, थोड़ा बहुत मूवमेंट चलता है लेकिन बहुत कॉर्नर में ना जाएं। दूसरी चीज कि थोड़ा सा भी हेजिटेशन होगी या जो भी कह लें तो थोड़ा सा अपना राइटिंग प्रॉपर कर लीजिए, और जो भी कॉन्सेप्ट हो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहा है आपका, आपका जो एग्जांपल था वो भी काफ़ी क्लियर हो गया, तो ये सब चीज़ों में कोई कमी नहीं है, आपने प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा सा राइटिंग अपनी इम्प्रूव कर लीजिए और टॉपिक अपना जो भी है क्लियर करके जाइए। कोशिश करिए कि हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत कोई एक एक टॉपिक रेडी रहे, क्योंकि अभी तो ज़रूरी नहीं ना आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैथमेटिक्स ही टीच कराया जाए, तो इसलिए कोई हर एक सब्जेक्ट, नेक्स्ट टाइम आइएगा तो कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रेफर करिएगा। ओके, बिल्कुल संदीप जी, बहुत अच्छा रहा आपका इंट्रोडक्शन, कहने का आपका तरीका बढ़िया है, सारी कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसमें हल्का सा नेचुरलपन और लाना है, थोड़ी सी हल्की सी मुस्कुराहट, हल्का सा स्लो करना है चीज़ों को, ऐसा बिल्कुल सो नहीं होना चाहिए कि हम अभी लर्न करके आए हैं, मतलब चीज़ों को थोड़ा सा ना हल्का है। बहुत अच्छा आपके कंटेंट बहुत अच्छे रहे सारी, थोड़ा सा फास्ट रहा ना,
आपको उसी पर करना। ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहा आपका, जो मैंने देखा बहुत अच्छा है। सर तीन चार डेमो मैम हो जाएंगे तो अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल 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 कवर हो जाएगा। क्या है कि पहली बार था ना, तो अभी थोड़ा सा बताने में भी मैं याद करके कुछ आया था या करके प्रैक्टिस यहाँ कुछ हो गया। मैं नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके आइए। ओवरऑल बहुत अच्छा, गुड, थैंक यू, ओके, बेस्ट ऑफ लक।